नमस्ते दोस्तों, फिर हम लोगों के साथ हाजिर हो गए हम एक नया रेसिपी के साथ। चलिए वो रेसिपी बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लग रहा है बताते हम लोगों को। 10 अंडा लिए, 2 बड़ी वाली प्याज, 2 टमाटर, कच्चा मिर्चाई 4, धनिया के पत्ता, 1 गरम मसाला के पाउडर, तेज पत्ता, अदरक, मरीच, लहसुन, सरसों का तेल मसाला है, मिर्ची वाला पाउडर, धनिया वाला पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और ये करछुल लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। करछुल लिए, देखिए छोटा सा, इसमें हम अंडा का पोच बनाएंगे, एकदम इडली का माप में लगेगा। देखिए एक अंडा लिए, अंडा को ऐसे फोड़ेंगे, आई तेल पर ऐसे रखेंगे। थोड़ा नमक दे दीजिएगा, इसे अच्छा है, अभी नमक घुस जाएगा। ऐसे करके हम सारा अंडा को ऐसे इडली के मापिक बना लेंगे। देखिए एकदम इडली के मापिक, देखिए हो गया पूरा मेरा इडली के मापिक। अब इसको पलटी कर देंगे, अगर पलटी करिएगा तो अच्छा, नहीं करिएगा तो भी अच्छा है। चलिए अब थरिया में रखते, एक अंडा और लेंगे। धीरे से छोड़िएगा, नमक रख दीजिएगा थोड़ा। ऐसे करके हम 10 अंडा का ऐसे कर लेंगे इडली जैसा बना के। कढ़ाई में तेल देंगे, इधर रेडी हो जाएगा। 2 चम्मच तेल दे देंगे, 2-4 चम्मच। ऐसे करके इसको भी देखते रहेंगे। तेल मेरा गर्म हो गया, थोड़ा जीरा दे देंगे फोरन में। तेज पत्ता रख देंगे, एक पीस चार टुकड़ी में काट लिए। रखे थे एक प्याज बारी बारी काट लिए, देखिए फोरन में रख लिए, प्याज रख दिए। एक प्याज अदरक लहसुन के साथ पीसेंगे। दोस्तों अगर इसमें आपका डालने में अंडा को फोड़ के डालने में तकलीफ होगा तो नीचे में इसको उतार लीजिएगा, ऐसे नीचे में उतार के इसको करिएगा।
लहसुन और मरीच को, अदरक को और प्याज को पीस लेंगे। आई प्याज रखे हैं आपको एक तरीका और दिखाने के लिए। अभी प्याज में रख देंगे पिसा हुआ अदरक लहसुन, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर सब रख दिए। पानी देंगे थोड़ा भूजेंगे इसको मसाला को। नमक देंगे स्वाद अनुसार। मेरा भुजा रहे टमाटर जो काट के रखा है मिक्सी में पीस लेंगे। अगर आपका घर में मिक्सी नहीं होगा तो सॉस भी डाल सकते इस तरह सब्जी पर। मसाला मेरा भुजा किए आप पिसा हुआ टमाटर रख देंगे। मसाला मेरा रेडी हो गया भून कर। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। इसको 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक छोड़ देंगे खोलने के लिए। उसके बाद फ्राई किया हुआ अंडा का पोट सा इसमें डाल देंगे। देखिए सारा पोच बन के मेरा रेडी हो गई है। इसमें आप कुछ प्याज ऐसे डालकर कुछ खा सकते हैं घर पर बिना रस में छोड़कर, जैसे कि प्याज, कच्चा मिर्चाई ऐसे डालकर आप पोच का मजा ले सकते हैं। देखिए तरकारी में नहीं भी डालिएगा तो अच्छा लगेगा। थोड़ा कुछ चाट मसाला छीट दिए। इसको पोच में भी खा सकते हैं आप बिना रस में डुबोए बिना खा सकते हैं। ऐसे इडली की तरह पोच बना के खा सकते हैं ऊपर से मिर्चाई धनिया छीट कर, चाट मसाला छीट कर। और सारा पोच को एक एक भर के छोड़ देंगे। जैसे कि धनिया के पत्ता चाट मसाला सब यही में रख दिए, इस ढंग को खा सकते हैं आप बना के। सब पोच को देखिए रख दिए अंडा को। अब 5 मिनट इसको छोड़ देंगे खोलने के लिए। गरम मसाला थोड़ा दे दे रहे जो पैकेट वाला गरम मसाला रखे थे हम। अब इसको 5 मिनट के लिए झांक के रस में खोलने के लिए छोड़ देंगे। अब देखते हैं हो गया जान। देखिए जैसे बोरा लग रहा है दही बोरा की तरह। अब प्लेट में निकाल लेते, अब निकाल लेते प्लेट पर।
होगी अंडा पोच का तरकारी। चलिए